नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में मैं, मैं प्रवीण और जैसे कि आप सभी को पता है हमने नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मेरे पास जो पेपर है 2019 का जो है वो नॉन मेडिकल का पेपर है जिसमें हम फिज़िक्स के टॉप थर्टी क्वेश्चन जो है वो आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दर्पण का सूत्र या फिर मिरर फार्मूला जो है वो क्या होता है तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा और जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला होगा उसको हम सॉल्व भी करेंगे तो दर्पण जो आपका मिरर फार्मूला है ऑप्शन नंबर सेकंड वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है द मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस तो जो आपके पास अगर चार्ज जो है वो स्टेशनरी है तो हम बोलेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लेकिन जब चार्ज वो वो मूविंग कर मूव कर जाता है मतलब मोशन में आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक एज वेल एज़ मैग्नेटिक दोनों फील्ड जो है वो जनरेट होती है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है कि दडिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हेयरिंग ऑफ ह्यूमन बींग तो अगर हम बात करें कि ऑडियबल फ्रीक्वेंसी क्या रहती है ह्यूमन बींग की तो ट्वेंटी हर्ज टू ट्वेंटी किलो हर्ज तक जो है वो ट्वेंटी थाउजेंड किलो हर्ज तक जो है वो आपके पास क्या रहती है उसकी रेंज रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोमेंटम इज मेजर्ड बाय तो मोमेंटम आप सभी को पता है पी इज इक्वल टू एम इंटू बी मास इंटू बिलोसिटी ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है ए बॉडी ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन ए मान लो यहाँ से ए से बी तक बॉडी जो वो ट्रैवल करती है और 40 मीटर पर सेकेंड इसी तरह फ्रॉम बी टू ए फिर क्या करती है बी से दोबारा फिर वापस आती है ए की तरफ तो हमने क्या देखा कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जो वो उस बॉडी के पहुँचने के जो है वो बिल्कुल सेम है इट मींस उस केस में जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जाएगी तो एवरेज वेलोसिटी आपकी नेचुरल सी बात है ऑटोमेटिकली जो है वो ज़ीरो आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द दैविली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स इज कॉल्ड तो जब भी आपके पास कोई खगोलीय पिंड जो है वो ग्रहों के चारे, चारों चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट नेचुरल सी बात है मून जो आपका चांद है विच इज़ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ तो हम क्या बोलेंगे मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ तो सारे क्या होंगे वो सैटेलाइट होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सेंस ऑफ रोटेशनल ऑफ जियो स्टेशनरी तो जियो स्टेशनरी जो आपके पास सैटेलाइट होगा उसकी जो डायरेक्शन होती है घूमने की सेंस होती है वो बेस्ट टू ईस्ट जो है वो रहती है नेक्स्ट देखिए रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल इन ड्यू टू तो रेन जो चाहे वह आपके पास स्पेरिकल इन नेचर होते हैं किसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से नेचुरल सी बात है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ट्रेंड टू कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉन एज सरफेस टेंशन इन केस अगर वाटर ड्रॉप द सरफेस टेंशन इज अटेन मिनिमम वैल्यू वन इट्स शेप इज इट्स स्पेरिकल सो द वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्पेरिकल इन सेप नेचुर बात है नेक्स्ट देखिए अगर एक पर्स पर्सन केन नॉट बी डिस्टिंग सी ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड टू मीटर्स द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर तो हम क्या करेंगे वन अपॉन फोकल लेंथ और नेगेटिव लगाएंगे माओपिया की जो आपके पास है उससे जो है वो क्या करेंगे करेक्ट किया जाएगा और कन के लेंस की नीट पड़ेगी तो वैल्यू हमारी नेचुरल सी बात है नेगेटिव में आएगी तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से वन पॉइंट टू करेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव डाइप्टर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट देखिए ए पीस ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन टू फाइव इक्वल पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरलर उनको हम कनेक्ट करेंगे पैरलर में और द कम्बिनेशन ऑफ आर डैस अपॉन आर अपॉन आर डैस जो है वो हमने निकालना है कि उसकी रेशो किसके बराबर आती है तो नेचुरल सी बात है आर मान लो रेजिस्टेंस है एल जो है वो मान लीजिए उसमें क्या है लेंथ है तो नेचुरल सी बात है आप क्या करेंगे यहाँ से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो आपने सुन रखा होगा और जो हम हम बात करते हैं आर फाइव की मतलब आर पाँच टुकड़े करने हैं इसके तो आर अपॉन फाइव हो जाएगा इसी तरह वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इस तरह से वन अपॉन आर फाइव तक वैल्यू जाएगी फिर आर डैस की बात आएगी आर डैस इन्होंने बोल रखा है आर अपॉन फाइव तो हम दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आर अपॉन आर डैश विच इज़ इक्वल टू आर डैस अपॉन आर आ जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी फाइव और आर अपॉन आर डैस जब हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू ट्वेंटी फाइव के अराउंड ट्वेंटी फाइव जो है वो इसमें सही आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह का रेशो वहाँ पर क्रिएट होगा आर अपॉन फाइव और फाइव अपॉन वन विच इज़ इक्वल टू इसको हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट so, देखिए जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजारा जाता है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र फैदा होता है उसको किसने ऑब्जर्व किया था ऑब्जर्व तो किया गया था नेक्स्ट देखिए वट इज द काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो काउ होता है इंफ्रा रेड रेस ऑप्शन नंबर ए एडिक्रंट डज नॉट कॉजिस तो एडी करंट जो है वो आपके पास इनमें से तो हम बात करते हैं एडी करंट की तो एडी करंट द इलेक्ट्रॉन आर ऑनली सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट जंप ऑफ टू द एंटर इन द एयर एंड हीट ईर और एयर और हीट में जो है वो एंटर नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो स्पार्किंग का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ कटाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कोलम ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू तो वन इलेक्ट्रॉन सभी को पता है किसके बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइन्टीन तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वन अपॉइंट वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइन्टीन और यहाँ से माइनस नाइनटीन ऊपर चला जाएगा तो टेन रेस टू पावर पॉजिटिव का नाइनटीन नीचे वन पॉइंट सिक्स जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेस्ट टू पावर आपके पास कितना आ जाएगा एटीन टेन रेज टू पावर 18 के अराउंड आ जाएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स तो वी पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस आपका बर्कलन अपॉन चार्ज जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है इसके बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेजिडिटी ऑफ मॉडलस ऑफ लिक्विड तो मॉडलस ऑफ लिक्विड की रेजिडिटी की बात करें विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो इसी तरह अगर हम बात करें द मॉडल्स ऑफ रेजिटी ऑफ शेयर मॉडल्स की बात करें तो उस केस में भी आपके पास वाटर का जो है वो ज़ीरो आएगी वैल्यू लेकिन जब हम बल्क मॉडल्स की बात करते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड में तो वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू एंड वायलेट विच कलर इज़ मोस्ट डेविएशन नेचुरल सी बात है जो आपका वॉयलेट कलर है वो मोस्ट डेविएशन जो है वो शो करेगा बिकॉज इट हैज़ द मिनिमम स्पीड इन ग्लास प्रिजम और बीबी गोर का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इजीली अपना आंसर कर पाएंगे और पेंडुलम का जो आपके पास इस तरह से उसको कैलकुलेट करना था तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर इंक्रीज बाय वन परसेंट आ जाएगा नेक्स्ट देखिए जूल मकैनिकल इक्विवेलेंट हीट तो ये जो आपके पास यूनिट है इनमें से किसी का भी नहीं है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिए किलोवाट आर्स आर इज इक्वल टू तो किलोवाट आर जो है वो आपके पास इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल सही थे एक आपका ए ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है और एक ऑप्शन एक नंबर आपके पास डी भी ठीक है सोलर एनर्जी इज ड्यू टू तो सोलर एनर्जी जो है वो आपके पास किसकी वजह से होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आती है नेचुरल सी बात है कि हम क्या बोलेंगे कि सन रिलीज़ क्या करता है सन आपको हीट और लाइट जो वो रिलीज करेगा जिसकी वजह से हम क्या करते हैं रिसीव करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हीट एंड लाइट इन नेचुरल सी बात है वो सोलर आपके पास एनर्जी है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थ्री पैर रेजिस्टेंस को जो है वो आपने कनेक्ट करना है तो वन अपॉन आर इज इक्ल टू वन अपॉन ट्वेंटी वन अपॉन टेन वन अपॉन टू जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी वन प्लस टू प्लस टेन विच इज़ इक्वल टू थर्टीन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन आर है इट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा ट्वेंटी अपॉन थर्टीन हो जाएगा थर्टीन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वन पॉइंट फाइव फोर बराबर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट देखिए एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल करता है सिक्सटीन मीटर इन फोर सेकेंड एंड अनदर सिक्सटीन फोर मीटर और एवरेज हमने निकालनी है तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कितना थर्टी टू पॉइंट सिक्स इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय करेंगे सिक्स तो कितना आ जाएगा टोटल सेकेंड टाइम हो जाएगा तो 5.33 मीटर सेकेंड के बराबर जो है वो वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एरिया अंडर द बिलोसिटी टाइम ग्राफ तो एरिया जो आता है बिलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ के बीच में विच इज रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट देखिए रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10 एस टू पावर 10.8 है और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपके पास कितना है 10 एस टू पावर 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी निकालते हैं तो एक्चुअल डेंसिटी आता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डेंसिटी तो डेंसिटी ऑफ एक्चुअल सिल्वर और डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो हमने निकालना है डिवाइडेड बाय टेन डेज टू पावर थ्री करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर वन सिक्स इसमें क्या इक्वेशन टाइम और पोजिशन का जो रिलेशन है वो क्या करता है तो इनमें से कोई भी रिलेशन जो है वो फॉर्म नहीं करता है नेक्स्ट देखिए मोस्ट हार्डेस्ट मेटल पोलेंट इन द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट तो नेचुरल सी बात है अगर हम बात करें लेड की कैल्शियम की कॉपर की या फिर मर्करी की जो जो आपके पास कैडमियम मर्करी कॉपर और लेड जो है वो ये चारों जो है वो मोस्टली जो है वो पोलेंट के रूप में देखे जाते हैं लेकिन इन सभी में जो आपके पास लेड है विच इज़ द काम और मोस्ट पोलेंट जो है वो देखने को मिलता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यदि आपने क्या करना है फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी को इस तरह से डिनोट करें तो डायमेंशनल फार्मूला जो है वो मास का क्या हो जाएगा तो यहां से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा नेक्स्ट देखिए शीशे का अफ जो है वो वन पॉइंट फाइव है तो प्रकाश की गति शीशे में क्या होगी तो नेचुरल सी बात है टू इंटू टेन रिज टू पावर एट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इफ़ तो क्या होगा अगर आपके पास ए डॉट बी वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर आएगा उस केस में हम बोलते हैं कि क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो आई होप आप सभी ने इस सेशन को जो है वो पूरा देखा होगा और इसी तरह के और भी आपको क्विक रिवीजन के साथ जो है वो कुछ आइडिया लग जाए कुछ हेल्प जो है वो मिल जाए और भी सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिए तभी हम जो है वो पिछले सारे पेपर्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आई होप आप सभी को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा इसी तरह से बने रहे स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी पे और बहुत जल्द आपको जो है वो टी कमीशन के अभी हमारी टीम जो है वो पूरी तरह टी नॉन मेडिकल और मेडिकल के ऊपर जो है वो वर्क कर रही है सारे नोट्स जो है वो प्रिपरेशन पे चले हैं जैसे ही नोट्स जो है वो हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं टी आर्ट्स के लिए टी मेडिकल नॉन मेडिकल के तो ऑलरेडी हमने जे कमीशन के लिए आर्ट्स कमीशन के लिए और बात करें अल्टी कमीशन के लिए तो बैचेज़ जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं बहुत जल्द आपको जो है वो नॉन मेडिकल और मेडिकल के बैचेज़ भी जो है वो देखने को मिलेंगे तो इसी तरह से बने रहें थैंक यू सो मच मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ थैंक यू सो मच